नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विकास कुमार। आइए फटाफट अंदाज में करते हैं खबरों की शुरुआत। नहीं रहे समाजवाद के पुरोधा डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह। दिल्ली के एम्स में इलाज के दौरान तोड़ा दम। 3 दिन पहले आरजेडी से दिया था इस्तीफा। पूर्व मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह के निधन पर राजनीति गलियारों में दौड़ी शोक की लहर। दिल्ली एम्स से रघुवंश बाबू ने लालू यादव और नीतीश कुमार को लिखा था मार्मिक पत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को दिया 901 करोड़ रुपए की सौगात। बांका में 131 करोड़ की लागत से एलपीजी वाटलिंग प्लांट का किया उद्घाटन। बांका में एलपीजी वाटलिंग प्लांट के उद्घाटन पर कार्यक्रम का हुआ आयोजन। मंत्री राम नारायण मंडल, राम सेवक सिंह सहित स्थानीय सांसद और जनप्रतिनिधि हुए शामिल। विधानसभा चुनाव से पहले नरम पड़े लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान के तेवर। कहा नीतीश कुमार मेरे मुख्यमंत्री और अपने मुख्यमंत्री से की मैंने बात। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बिहार दौरे से उत्साहित हुए कार्यकर्ता। आत्मनिर्भर बिहार को लेकर जेपी नड्डा ने भरी हुंकार। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भाजपा के आत्मनिर्भर बिहार पर किया प्रहार। कहा भाजपा पहले बिहार में खुद को बनाए आत्मनिर्भर। विधानसभा चुनाव से पहले जिले में भाजपा ने झोंकी अपनी ताकत। सांसद निशिकांत दुबे के बाद मंत्री राम नारायण मंडल और अररिया सांसद प्रदीप सिंह ने कार्यकर्ताओं से किया संवाद। भागलपुर अलीगंज में मंत्री राम नारायण मंडल ने किया जनसंवाद। कार्यकर्ताओं को एकजुट होने की कही बात। अररिया सांसद प्रदीप सिंह ने नवगछिया के बिहपुर में लोगों से किया जनसंवाद। खरीक, जमालपुर, रायपुर सहित सोनबरसा में कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से किया स्वागत। अररिया के सांसद प्रदीप सिंह के जनसंवाद में लोगों की उमड़ी भीड़। सांसद ने केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। प्रदीप सिंह के नवगछिया पहुंचने पर कार्यकर्ताओं में दिखा उत्साह। भाजपा जिला अध्यक्ष और भाजयुमो के प्रदेश प्रवक्ता आलोक सिंह बंटू की अगुवाई में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस की ओर से भागलपुर में हुआ युवा सांसद कार्यक्रम का आयोजन। केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा समेत अलायंस नेताओं ने भरी चुनावी हुंकार। पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने सृजन घोटाले को लेकर राज्य सरकार पर साधा निशाना। सृजन के बहाने लूट तंत्र मजबूत करने का नीतीश कुमार पर लगाया आरोप। जिला पुलिस की ओर से आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर शराब माफियाओं के खिलाफ अभियान तेज। जगदीशपुर में भूसे की ढेर से भारी मात्रा में शराब बरामद। नवगछिया और कटिहार सीमा पर कुर्सैला के पास अपराधी और पुलिस में मुठभेड़। चली सैकड़ों राउंड गोली, कोई हताहत नहीं। शराब भरे जब्त नौ ले जाने के क्रम में अपराधियों ने पुलिस पर की फायरिंग। पुलिस ने भी की जवाबी फायरिंग, अपराधी भागने में रहे सफल। नवगछिया एसडीपीओ दिलीप कुमार के नेतृत्व में अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए रात भर चला सर्च अभियान। भागलपुर भोलानाथ पुल के पास जल जमाव को लेकर अनोखा प्रदर्शन। बजरंगी नामक युवक ने पानी में बैठकर दिया धरना। भोलानाथ पुल जल जमाव की समस्या को लेकर धरना पर बैठे युवक के समर्थन में आए स्थानीय लोग। सड़क जाम कर आंदोलन को दिया समर्थन। युवक के अनोखे प्रदर्शन से घंटों आवागमन रहा बाधित। सड़क के दोनों ओर वाहनों की लगी लंबी कतार। जिले के सभी प्रखंड कार्यालयों में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर 20 सितंबर से लगाया जाएगा कैंप। डीएम प्रणव कुमार ने सभी वीडियो को दिया निर्देश। आज दूसरे दिन भी विक्रमशिला एक्सप्रेस कोविड स्पेशल ट्रेन बनकर दिल्ली हुई रवाना। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद यात्रियों को दिया गया प्रवेश। राज्य में 90% से अधिक लोग कोरोना से हुए हैं स्वस्थ। बिहार में 24 घंटे के भीतर 1421 कोरोना मरीज की हुई पुष्टि। बहरहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए सिल्क टीवी। अपने आसपास की खबरों को देखने के लिए सिल्क टीवी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पर पेज को फॉलो जरूर करें।